ओम शांति। बाबा कहते विजयी रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते, यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और बनाओ। अर्थात बाबा कहते अब संगम युग पर तुम बच्चों का यह ब्राह्मण मर्जी व जन्म है, अब पुराने जन्म के कमजोर स्वभाव संस्कारों को, कमजोर संकल्पों को भूल जाओ। अब यह नया मर्जी व ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान का दिया हुआ है। वही स्मृति कराते हैं कि तुम बच्चे कल्प कल्प के विजयी रत्न आत्माएं हो। जब स्वयं भगवान ने कह दिया तो उस पर अटूट निश्चय रखते हुए, सदा उमंग उत्साह में रहते हुए हर कर्म को करना, यही सफलता का अर्थात विजय रत्न बनने का आधार है। तो आज अमृत बेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे, स्वमान लेंगे मैं आत्मा महादानी बन, फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाली मास्टर रहम दिल हूं। मैं आत्मा महादानी बन, फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाली मास्टर रहम दिल हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मुझे बाबा ने सर्व खजानों से संपूर्ण संपन्न बनाया है। जो भी बाबा के खजाने हैं मुझे फ्राक दिली से हर आत्मा को यह खजाने देना है। सदा हर आत्मा पर मास्टर रहम दिल बनकर रहना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा पूर्वज आत्मा हूं। साधारण आत्मा नहीं इष्ट देव हूं। मैं आत्मा महादानी रहम दिल पिता परमात्मा की संतान। मास्टर महादानी, मास्टर रहम दिल हूं।
दुख हरता सुख करता पिता निराकार परमात्मा ने। मुझ ब्राह्मण आत्मा को अपने सर्व खजानों से भरपूर कर। खुशी के खजाने से भरपूर कर विश्व की सर्व आत्माओं को। दुख अशांति भय चिंता से मुक्त कराने का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है। मैं आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी। आधार मूर्त हूं पूर्वज हूं। बीज रूप पिता परमात्मा से बरसती सर्वशक्तियां। मुझ आत्मा से होती हुई तने में। डाल टाल टालियों में।
आत्मा रूपी एक एक पत्ते में प्रवाहित हो रही है। साक्षी हो जाएं और देखें स्वयं को कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा। मैं आत्मा बाप दादा मम्मा दीदी दादियों और अनन्य भाई बहनों के साथ। महादानी बन एक एक आत्मा को। दुख अशांति भय चिंता से मुक्त कराकर खुशी के खजाने से भरपूर बना रही हूं। मेरी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से एक एक आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर हो रही है। दुख अशांति को सहज पार कर रही हैं। तो अनुभव करें मैं आत्मा महादानी बन। फ्राक दिल से खुशी का खजाना बांटने वाली मास्टर रहम दिल हूं।
स्वयं भगवान कहते हैं। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व कितना धन खर्च करते हैं। फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं। तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ। क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी यह नहीं सोचो कि ये सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उनको फल अवश्य देंगी।
तो अनुभव करें मैं आत्मा महादानी बन। फ्राक दिली से खुशी का खजाने बांटने वाली मास्टर रहमदिल हूं। मैं आत्मा महादानी बन। फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाली मास्टर रहमदिल हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आत्मा महादानी बन। फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाली मास्टर रहमदिल हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।